हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। आज मैं लेके आया हूँ एक न्यूमेरिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आया था हम लोगों का CBSE 2001 बोर्ड एग्ज़ाम पे, और उसके बाद ये मेनी मोर वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ कौन से एग्ज़ाम पे आया था। तो बेसिकली ये फर्स्ट जो आया था CBSE 2001 पे, तो ये न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। फिलहाल तो न्यूमेरिकल आप लोगों ने थंबनेल्स पे देख ही लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। चलो देखते हैं। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट। यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है जिसका EMF है 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओहम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ओहम। कनेक्टेड टू द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये है हम लोगों का जो नेटवर्क। यहाँ पर बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना क्या है, करंट। तो करंट निकालने के लिए हम लोग बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओहम्स लॉ, V=IR। तो यहाँ पर V दिया हुआ है और आई हम लोगों को निकालना है और हम लोगों को चाहिए आर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा आर मीन्स रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। यही है सबसे बड़ा टास्क। ठीक है, तो मैंने पार्ट 3 में भी बोला था कि दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज कॉल्ड नेटवर्किंग न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका सर्किट को थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा और सर्किट को थोड़ा इजीली हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको इजीली हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों को कहाँ से शुरू करना है, हम लोगों को शुरू करना है यहाँ से। देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से 4 रेजिस्टेंस गया हुआ है। तो ये पॉइंट हम लोगों को अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो शायद ठीक होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का वो पॉइंट। फिर यहाँ से 4 रेजिस्टेंस गया है तो हम लोग यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलो ठीक है। देखो ये दोनों रेजिस्टेंस BC से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये दोनों रेजिस्टेंस AD से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों को जुड़ दिया है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सारा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम करके सब हो गया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। देन ये चारों का तो काम ख़त्म। अभी ऊपर का और नीचे का, ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ पर कनेक्टेड है हम लोगों का, ए और बी में। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नाम दे देता हूँ तो आसानी होगी। ए बी सी एंड डी। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है ए और बी में, तो यहाँ पर मैं ए और बी में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ। फिर सी और डी में और एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ सी और डी में, 1 ओम 1 ओम। तो इसका भी काम ख़त्म। फिर हम लोगों का जो नीचे का बैटरी वाला पोर्शन है वो लिख लेता हूँ, ये लो। तो हो गया हम लोगों का इक्विवेलेंट सर्किट। अभी देखो हम लोग इजीली बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल पे है, ये दोनों पैरेलल पे है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यहाँ पर ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी सर्किट जो है वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मतलब हम लोगों का न्यूमेरिकल सही में जा रहा है। ठीक है, देखो बहुत ही छोटा हो गया। अभी 1 एंड 1 पैरेलल पे है क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट 1 है। ये यहाँ से ये दोनों रेसिस्टेंस जा रहा है, मतलब ये दोनों आ गया पैरेलल पे। दोनों का राइट साइड पे ये पॉइंट है कॉमन, लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट है कॉमन, तो दोनों पैरेलल पे आ गया। 1 एंड 1 पैरेलल करने से कितना आएगा, 1/R = 1/1 + 1/1 = 1/2
इक्वल्स टू टू वन बाई आर, सो आर इक्वल्स टू वन बाई टू, तो ये आ जाएगा वन बाई टू होम, ये आ जाएगा वन बाई टू होम, ऊपर का वन होम नीचे का वन होम, ये एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। वन बोल्ट टू बाई थ्री ओम, वन बोल्ट टू बाई थ्री ओम। अभी ये दोनों आ जाएगा हम लोगों का सीरीज में, क्योंकि ये दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, देखो इन दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों आ जाएगा सीरीज पे। अभी सीरीज पे करने से क्या होगा, देखो इन दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख लूँगा, अभी बहुत ही सिंप्लीफाई हो रहा है, तो नीचे का बैटरी वाला पोर्शन छोड़ देते हैं एज इट इज, तो ऊपर का वन ओम, हाफ ओम एंड हाफ ओम सीरीज पे है इसलिए डायरेक्टली प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के बाद क्या आएगा वन ओम, और नीचे का वन ओम एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अभी जो है ये तीनों आ गया पैरेलल पे, क्योंकि इन तीनों का कॉमन पॉइंट लेफ्ट साइड पे भी है राइट साइड पे भी, ठीक है, तो ये तीनों आ गया पैरेलल पे, तो पैरेलल पे होने से पैरेलल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग डाल देंगे, कितना है 3111, तो आ जाएगा हम लोगों का ऐसे करने से क्या आ जाएगा, देखो 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई वन, 1 बाई वन, 1 बाई वन इक्वल्स टू 3, सो आर इक्वल्स टू 1 बाई 3, तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 ओम, बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 बाई 3 ओम, निकलना है आई, हर किसी का आई ही हम लोगों को हेयर निकालना। तो देखो अभी ये जो नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 बाई 3 ओम एंड बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 बाई 3 ओम, ये दोनों आ जाएगा सीरीज पे, क्योंकि इन दोनों में से सेम करंट जाएगा, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज पे, ये दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट जाएगा, तो अभी सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग, मतलब हम लोग का जो ग्रैंड रेजिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। ग्रैंड रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होगा, डायरेक्टली प्लस होगा, तो आर इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इक्वल्स टू 3 बाई 3, कटने से 1 ओम, तो मतलब पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम और बैटरी है 1 वोल्ट। तो हम लोगों को अभी फ्रॉम वी इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर, वी कितना है 1, आई कितना है आर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इजीली सॉल्व हो गया, सिर्फ सर्किट को सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से इस सर्किट लाने में थोड़ा तकलीफ है, उसके बाद तो आराम से सर्किट बन जाता है, तो इसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है। तो पहले हम लोगों को मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करना है, यहाँ से चार रेजिस्टेंस गया है, मैंने भी यहाँ से चार रेजिस्टेंस डाल दिया है, फिर ये दोनों एक दो पॉइंट पे शॉर्टेड है, मैंने भी यहाँ पर दो पॉइंट पे शॉर्टेड कर दिया, सिमिलरली इसका भी दो पॉइंट पे शॉर्टेड है, यहाँ पर भी मैंने दो पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद देखने से पता चल जाता है कि ये वन होम पैरेलल पे है, ये पैरेलल पे है, तो पैरेलल इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने लिख लिया 0.5 और हाफ होम, फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख लिया हाफ होम, फिर ये दोनों आ गया पैरेलल पे सीरीज पे, सीरीज पे होने से 1 होम, इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया ये 1 होम, ऊपर का नीचे का मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं की, फिर ये दोनों तीनों आ गया पैरेलल पे, आ गया 1 बाई 3 होम, फिर ये 1 बाई 3 होम और 2 बाई 3 होम सीरीज पे आता है, क्योंकि पूरा सर्किट में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो सेम करंट फ्लो होने से वो होता है सीरीज, और दो कॉमन पॉइंट होने से जहाँ पर दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो होता है पैरेलल पे। तो यहाँ से आ जा रहा है हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम और ईएमएफ 1 वोल्ट, तो यहाँ से हम लोग बी इक्वल्स टू आई आर करने से क्या आता है आई इक्वल्स टू वी बाई आर मीन्स 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो ये रहा आज का न्यूमेरिकल जो आया है हम लोगों का सीबीएसई 2001 पे, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और वीडियो का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में शेयर भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।